भागलपुर जिला में सबसे घटिया सड़क है तो ये NH-80 है। हमारे सांसद जी तो खुद बोले थे कि 90 दिन के अंदर में सड़क दुरुस्त कर देंगे। वीडियो का सर हम चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे मंत्री लोग देखे, खासकर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जो कि विकास का बात करता है, उसको बताइए कि इसने 5 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है उसमें उसको पैदल चलवाइए एक दिन के लिए, उसको समझ में आ जाएगा बिहार कितना तरक्की कर रहा है। शाम तक हम घर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमेशा मन में डर बना रहा था। 2 महीना पहले देखे होंगे इससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति में था, आज उससे अच्छा स्थिति में है ना, इसी तरह सुधरते तो सब सुधर जाएगा। कितना दिन में सुधरेगा? 2 साल में। बिहार में मानसून का प्रकोप जारी है, उसी कड़ी में अगर इलाकाई समस्या पर गौर करें तो भागलपुर से कहलगांव और आगे पीरपैंती तक NH-80 पिछले 20 वर्षों से जख्मी पड़ा हुआ है। इलाके के MLA और MP भी आम जनता को भरोसा देते थक गए हैं। कल तक NH-80 की मरम्मती कराने वाले ठेकेदार पवन यादव आज कहलगांव के BJP MLA हैं। NH-80 के किनारे रहने वाले अजय कुमार आज JDU से MP हैं। दोनों की तरफ से सदन में समस्या को रखा भी गया, लेकिन आज भी NH-80 की दयनीय दशा जस की तस बनी हुई है। भागलपुर से कहलगांव NH-80 की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। खराब सड़क की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, घटना दुर्घटना होती रहती है। सर हम चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे मंत्री लोग देखे, खासकर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जो कि विकास का बात करता है, उसको बताइए कि इसने 5 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है उसमें उसको पैदल चलवाइए एक दिन के लिए, उसको समझ में आ जाएगा बिहार कितना तरक्की कर रहा है और भारत कितना प्रगति पर है। क्या नहीं है सर, हम लोगों का घर सड़क के बगल में पड़ता है, लोग सड़क छोड़ के उस द्वार पर से जाते हैं और एक्सीडेंट का तो खैर नाम ही नहीं है कि कितना एक्सीडेंट रोज होता है। स्कूल का भी स्कूल के बच्चे लोग जब जाम में फंसते हैं तो उन्हें मजबूरी में वापस घर लौटना पड़ता है। सूखेगा सर, इतना धूल उड़ेगा आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं लगेगा आप दीरों में है कि NH-80 पे चल रहे हैं। ये भागलपुर जिला में सबसे घटिया सड़क है तो ये NH-80 है। हमारे सांसद जी तो खुद बोले थे कि 90 दिन के अंदर में सड़क दुरुस्त कर देंगे। अब उनका कहना है कि केंद्र सरकार की बात है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, बस यही बात है। ऐसा महसूस होता है कि शाम तक हम घर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमेशा मन में डर बना रहता है। हम मतलब क्या सिर पर कफन बांध के चलना पड़ता है रोड पर, कब टपक जाए को ठिकाना। गांव का नाम क्या? ये शाहपुर बस्ती है, तीसरा पंचायत शाहपुर बस्ती है। शाहपुर बस्ती यही से हमारे सांसद महोदय, उनका पैतृक क्या है, उसका घर यहाँ है सांसद जी का। जी हाँ, वही वैकल्पिक व्यवस्था के सुधार जाए। ऐसे अभी मोटरसाइकिल वगैरह आता जाता है तो लोग लड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो वो अगर भर दिया जाता है कुछ राहत रहेगा। उसी काम के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, आज सुबह से उसी में लगे हुए हम लोग। तब रोड और रेल दोनों जाम करेंगे इस रोड को सुधारने के लिए। हाँ, रोड को सुधारने के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा पाते, जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलते हैं। भागलपुर सांसद अजय कुमार ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 90 दिनों के अंदर NH-80 को बना देंगे, लेकिन 3 साल हो गए सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका, खाना पूर्ति के लिए सिर्फ पीचिंग कर दिया जाता है। आम जनता में अजय और आम जनता का MP अजय क्या कह रहे हैं सुनिए। आप आज से 2 महीना पहले देखे होंगे इससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति में था, आज उससे अच्छा स्थिति में है ना, इसी तरह सुधरते तो सब सुधर जाएगा। कितना दिन में सुधरेगा? 2 साल में। क्योंकि जब तक कि रोड बन करके कंप्लीट है उसका रोड बनाने का समय ही 2 साल दिया गया है, हम कहते थोड़े 1-3 महीना के अंदर सुधर जाएगा, रोड बनाने में लगेगा 2 साल। हम लोग गुजर रहे थे तो सांसद महोदय वो चुनाव के समय में कहे थे कि 90 दिन में बन जाएगा। 90 दिन में मैंने रोड बना दिया था। हाँ, तो कहीं नहीं, समूचा भागलपुर से मिर्जा चौकी तक पिचिंग हो चुका था और 90 दिन में एक बार नहीं, 3 साल में मैंने 3 बार पिच करवाया। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन है क्या कि रोड जिस समय बना था ये आज से बहुत दिन पहले, 20-25 साल पहले, उस समय ये रोड बहुत 6 चक्के का मानक के का रोड था और आज इस पर 28 चक्के का गाड़ी चलती है, रोड रहेगा नहीं। लेकिन अब अगर 100 चक्के की भी गाड़ी चलेगी तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो बन रहा है वो 100 चक्के के मानक से बन रहा है। अभी कुछ नया रोड में हो रहा है क्या? कुछ नया रोड में, रोड का नौकरी स्टार्ट है, सर्वे स्टार्ट है, रोड को क्लियरेंस किया जा रहा है और अभी जो रोड में जो कुछ बचा हुआ काम है जो कि इसका जो रिपेयरिंग का पैसा आने वाला है उसमें आने में देर लगेगा या कब तक,
तो घोघा में चूंकि रोड अधिक खराब था, तो घोघा के जितने भट्टा मालिक है, भट्टा यूनियन के अध्यक्ष हैं, विनोद बाबू हैं, टुनटुन बाबू हैं, सबों ने मिल करके अभी अपना अपना तेल मोबिल जैसी भी दे करके और अपना ईटा भी दे करके भरने का काम शुरू किया है।